दहलवी की नई ईजाद ब्राह्मी खजूर आमला और बादाम जैसे अज्जा से बना बेहतरीन याददाश्त टॉनिक दहलवी ब्रेम। दहलवी की तरफ से रमजान की मुबारकबाद। रोजे की शिद्दत को दूर करने के लिए सहरी और इफ्तारी में जरूर इस्तेमाल करें। देश के 10 राज्यों में हुए उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। इसके अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी कई सबक हैं। खासकर इससे ये संकेत मिल रहा है कि 2019 में किस दिशा में राजनीति आगे बढ़ सकती है। यूपी में संयुक्त विपक्ष ने फिर दिखाई ताकत। करहा लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इससे एक बार फिर ये संकेत मिला है कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो वह 2019 में यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। इसके पहले गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों से ये संकेत मिले थे। कैराना में बीजेपी की हार ये संकेत भी देती है कि किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कैराना से आरएनडी को भी नया जीवन मिला है जिसके अभी तक कोई भी सांसद या विधायक नहीं था। 2019 में टीएमसी बनाम बीजेपी होगा मुकाबला। बंगाल में ये साफ हो गया है कि 2019 में टीएमसी के सामने मुकाबले के लिए बीजेपी ही रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने न केवल महेशतरा की सीट जीती है बल्कि उसने वहां 58% वोट हासिल किए हैं। महेश तला में मुस्लिम जनसंख्या 41% है और ऐसा लगता है कि इस मतदाता वर्ग ने टीएमसी का पूरी तरह से समर्थन किया है। पहले मुस्लिम वोट टीएमसी और सीपीएम में बट जाते थे। इस चुनाव में यह संकेत मिला है कि बीजेपी आरएसएस की पकड़ बढ़ रही है और सीपीएम कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर दूसरे स्थान पर है। साल 2016 के 15,000 वोटों के मुकाबले इस बार उसे 42,000 वोट हासिल हुए हैं। महाराष्ट्र में सेना बीजेपी का मतभेद घर आया है। बीजेपी ने राज्य की पालघर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है और भंडारा गोंदिया सीट पर हार गई है। भंडारा गोंदिया सीट एनसीपी के खाते में चली गई है। चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आगे सहयोगी दल शिवसेना के साथ बीजेपी का मतभेद और गहरा सकता है। बिहार, नीतीश की चमक फीकी, तेजस्वी का बड़ा नूर। बिहार के जोकीहाट सीट पर 2005 से ही जेडीयू का कब्जा था, लेकिन इस बार आरजेडी के शहनवाज आलम के जीत जाने के बाद ये सीट उनसे छीन ली है। गत मार्च महीने में ही शहनवाज के भाई सरफराज आलम के अररिया लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। 2 महीने में जेडीयू को मिली इस दूसरी हार से ये साबित हो रहा है कि सीमांचल में अब नीतीश और एनडीए की पकड़ कम हो रही है। उत्तराखंड, बीजेपी जीती, लोकप्रियता घटी। उत्तराखंड में बीजेपी धराही सुरक्षित सीट को बचाने में कामयाब हो गई है, हालांकि उसकी जीत बहुत कम मार्जिन से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।